भोपाल पुलिस की हिरासत में 55 साल के पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने बहू की शिकायत पर उन्हें इशबाग थाने बुलाया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर की बदसलूकी से विदेशत में थे। भोपाल के बाग फरहत इलाके में रहने वाले मृतक मोहम्मद अकरम पीडब्ल्यूडी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। पुलिस के अनुसार मृतक अकरम के परिवार और बहू के परिवार के बीच थाने में ही बहस हुई। इस बीच उनकी तबीयत खराब होने लगी। परिजन फौरन उन्हें हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने थाने में मारपीट की घटना से इनकार किया है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक करने पर भी पाया गया कि अकरम और परिजन के साथ किसी भी तरह की मारपीट और बदसलूकी नहीं की गई है। आगे इस पूरे मामले की जाँच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। इसमें घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक है अकरम, इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।